अभी इस घर में ना कोई नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये डब्बा यहाँ रख देते हैं, जब वो आएंगे उनको मिल जाएगा। सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हैं सीएचओ पी के व्लॉग्स। तो गाइज ना, मेरे साथ सुबह सुबह एक सीन बन गया। मैंने अपना एक कुर्ता मंगाया हुआ था ऑनलाइन, वो मेरे को बड़ा रह गया साइज में। अभी ना विक्रांत गया हुआ था भाई फिटिंग कराने के लिए, फाइनली अपना कुर्ता फिटिंग होकर आ चुका है। ऑनलाइन ना मैंने एक महीने पहले मंगा लिया था, बट अभी तक चेक भी नहीं करा था एक बार डाल के भी। गाइज ये तो ना बहुत प्यारी सी लग रही है यार, आज सुंदर लग रही है, पता नहीं क्यों। ये मेरे से भी सुंदर लगेगी आज तो। थैंक यू। अभी कभी बीबी की तारीफ कर देनी चाहिए ताकि वो खुश से रह ले। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। जिस कुर्ते के लिए इतनी मेहनत की गई है सुबह सुबह, तो गाइस आप लोग कमेंट करके बता देना कैसा लगा। बहुत सुंदर लग रहा है। फैल होगी कि तू? भाई वाह गाइस, मौज ही होगी यार। गाइस आप बताओ, मैं सुंदर लग रही है ये? मैं फैल होगी? देखो तो दो मुझे भी गाइस को, ये देखो फैल होगी तो। गाइस बता दियो मैं सुंदर लग रही। हम आए थे देवताओं पे जोत लगाने के लिए, फाइनली जोत लगा दिया। मैडम जी भी साथ में ही थी, घर पहुंच गए अभी। और पीकू ना उनका ही हेयरवा कर रहा है, जो मुझे अच्छे लगे हैं, सुंदर लगे हैं। जिस दिन उसका ही हेयरवा कर रहा, और मैं भी तो पहना नए कपड़े। अभी घर पे बज रहा है भाई सही घमासान युद्ध। मम्मी ना हर किसी की पिटाई कर रही भाई। माँ होने का, बाप होने का बहुत फायदा है यार, पिटाई करने को मिले यार। व्यू मैं तेरा पापा हूँ ना, मैं तुझे पिटा करूंगा। अभी खाने में भाई, खाना खाते हैं और फिर सोचते हैं क्या करना है। गाइस अभी जा रहे हैं भाई, एक दो पटाखा है वो ना, और भी ज्यादा चाहिए थे तो वो मंगवाए हुए थे, तो वो ना अपने दोस्त ने लाके रखे हुए हैं अपने घर पे, तो उसे लेने जा रहे हैं अभी। गाइस पटाखे के ऊपर ना राड हो रही है तकड़े वाली। भाई साहब बढ़िया बात नहीं यार, तू एक डिब्बा और दे दे। ठीक है टाटा बाय भाई, पर पटाखे कम दिए, एक अनार दे दिया चल, थैंक यू। और गाइस अभी हम प्लान कर रहे हैं भाई कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने भी नहीं सोचा था, बस एकदम से प्लान कर दिया। गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई गरीबों के लिए कुछ ना कुछ, मतलब स्पेशल करने के लिए। हम ना कहीं से मिठाई लेंगे, उसके बाद ना गरीबों में बांटेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि उनकी भी दिवाली बननी जरूरी है ना। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ और धम्मू जा रहा है मेरे साथ। अभी पेट्रोल डलवा लिया है भाई, घूमना पड़ेगा ना। गाइस अभी भाई मिठाई वगैरह तो मेरे दिमाग में नहीं आई थी, मेरे दिमाग में आ गई सोन पापड़ी। तो अंकल के पास ना जितनी भी सोन पापड़ी है ये खरीद रहे हैं, देखते हैं कितने डब्बे हो जाएंगे। आज 5 × 10 × 15 कर रख रखे लगना पड़े। अच्छा अंकल ने ना दिमाग से लगा रखे, डब्बे कम लगा रखे, ताकि ये पता लगे सबको कि बिक लिया माल, जल्दी जल्दी ले जाओ जो ले जाना। ये चीटिंग करता है तू, ये जो रहे भाई सब। अगर और डब्बों की जरूरत पड़ेगी ना फिर ले जाएंगे अंकल के पास से। अभी भाई एक पूरी पेटी ले ली है, यहाँ का काम तो हुआ अपना फिनिश, अब चलते हैं भाई पेन जगह इन काम करने के लिए। तो ये पहुंच गए भाई अपने मामा के लौंडे के पास। ये ना भाई अभी हमको घुमाने वाला है कहाँ कहाँ हमको बांट के आने हैं, बट पहले ना वो भैंस को बीज धरवाने के लिए गया है, डॉक्टर आ गया उनका। ये जो हमने लिया है ना भाई, ये हमको और भी सस्ते पड़ सकते थे, बट हमने ना ऐसे लिए नहीं, जहाँ से और भी सस्ते पड़ सकते थे, हमने जानबूझ के ऐसे अंकल से खरीदे हैं ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत कमाई हो जाए। वेल डन, दिवाली उनकी भी मननी चाहिए ना, क्योंकि लाला लोग तो भाई पहले दिवाली मना रहे हैं, उनके तो मजे आ रहे हैं, इनके पास से कम बिकते हैं ना, तो इसलिए उन्हीं के पास से हमने ये सब खरीदा है। मेरे को पता है ज्यादा नहीं, बहुत कम मार्जिन में दिए अंकल ने, अपना बच गया मस्त अंकल का, पता था हमको, बट कोई दिक्कत नहीं है यार, दिल खुश है। क्यों भाई उन्हें ऐसी जगह का पता कर लिया था जहाँ से हमको ये और भी सस्ते पड़ जाते, बट हम जानबूझ के नहीं गए वहाँ। फाइनली पहुंच गए भैया जी। छोटू या उधर, कितने घर हैं तुम्हारे यहाँ? टोटल कितने घर हैं यहाँ, घर बताओ कितने हैं? मेरी बात सुनो जी, सुनाइए। अपन अपन यहाँ चलो, एक एक जुग्गी पे सबको दे दो। हाँ, बस हाँ, बात करो। आओ आओ आओ। चले अभी यहाँ तो बांट दिया है, और बाकी एक जगह हो रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। मामा लौंडे ने भाई बहुत साथ दिया है हमारा, इसका टाटा बाय बाय करते हैं। फिर दीपावली और डिब्बे खरीद लिए, अभी हो सकता है कम पड़ जाए भाई रास्ते में, ज्यादा हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गांव में बांट देंगे। दे दो ये क्या है, दे दो यार डब्बे, शर्माती रहा है तू तो। खुश रहा है यार ये, हैप्पी दीपावली तुझे। थैंक यू गाइस, बहुत खतरनाक जगह से होते हुए आ गए हम यहाँ पे, एक जगह और मिल गई हमको, यहाँ पे भी देते हैं भाई सबको घर घर में डब्बा। गाइस अभी इस घर में ना कोई नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये डब्बा यहाँ रख देते हैं, जब वो आएंगे उनको मिल जाएगा। तो इस घर में भी ना है कोई, इनका डब्बा भी हम यही रख देते हैं यार। ये ना सारे के सारे कहीं काम करने के लिए जा रहे होंगे, तो इसलिए कोई भी नहीं है घर पे, वो घर पे रखना पड़ रहा है डब्बा डायरेक्ट, तो इसका डब्बा भी हमने यहाँ को रख दिया। कहाँ जा रहे हैं सब काम करने के लिए? रख दिया मैंने डब्बा वहाँ अंदर, रख दिया तुम्हारे घर में। फाइनली भाई सबको बांट दिया, दिल खुश हो गया। तेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया, मजे ही आ गए यार। और क्या चाहिए, दिवाली बन गई अपनी तो मस्त मस्त थी। चले स्कूटी लेके, भूख लग रही? नहीं भाई, आ लड़का यार मैं इतना बढ़िया काम करके आया हूँ, बट किसी ने मेरे से ये भी ना पूछा कि रोटी खा ले, मैं सुबह से भूखा हूँ। ओ माय गॉड, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल ऐसी बीवी सबको दे भगवान। मैं नहीं खाता खाना तो ये भी नहीं खाती। गाइस मेरे तो भाग ही खुल गए यार, जोर लगा के खा लिए, भाग लो।
अभी दोपहर के खाने में बनी हुई है घर पे खिचड़ी। खिचड़ी खाते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। गिर गई मम्मी तो इधर देख लो, पीकू तो आराम से सो रहा है, इसे ना कोई भी दिक्कत है। मेहनत से श्वेता ने ये बनाई थी यहाँ पे रंगोली, और ये देख लो व्यू क्या कर रहा, इसके ऊपर ही चला रहा अपनी गाड़ी, और पीकू भी ये काम कर रहा पलट की गाड़ी। जब इसके साथ कुछ हो जावे ना, इसका चेहरा देख करो कैसे करे। ओए इसके कुत्ते का हाथ मत लगा। अपने पापा को बताने के लिए आया कि बोल निकलवाओ मेरी मुंह से उसके। पापा ने बहुत बढ़िया काम करा गाइस, ये देख लो पापा ने ना बोल इसके मुंह से निकल ली के लिए पीकू के झूठे पानी में धो दी और फिर वापस दे दी उसे। कौन है ये लोग? बड़ा काम कर देगा पापा। और ये हमारे योगाचार्य आ गए हैं भाई, इन्होंने ना मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। पहले जब मैं इनके पास रह करता था ना भाई, नाक में को ऐसे दे देता रबड़ रस्सी और दूसरे नाक में को निकाल देता, एक नाक में को पानी ले उठा दूसरे नाक में निकाल देता। खतरनाक योगाचार्य है ये। यार पापा मेरे को रोज कहना कि तू चोटी बनावे लड़ाई करे मेरे साथ। अब ये देख लो ये चोटी रखे है, पापा पूछ लो इससे, ये कह रहा चोटी रखने वाले पहले महान बढ़िया बुजुर्ग जो थे, मतलब हमारे पूर्वज जो थे, वो ऐसे चोटी रखे थे, पीछे रखे थे यार रखे थे पापा। वो टाइम लगा करना उसे बनने में, इस चोटी को बनने में टाइम लगेगा ना, अभी बाल इतने बड़े नहीं हुए ना भाई। अभी हम अपने गांव की ना सबसे खतरनाक गली के अंदर आ गए हैं भाई, सबसे शिडैंदी गली भी यही है और खतरनाक भी यही है और बारीक भी यही है, मतलब इस गली में ना सारे कांड होते हैं भाई। दिवाली पूजन का टाइम है 6:53 के बाद में 8:16 तक, तो अभी मैं और श्वेता जा रहे हैं ऊपर छत पे मोमबत्ती लगाने के लिए। पहले ना मोमबत्तियों का जाल बिछा देंगे अपनी छत की दीवारों पे सारू पे, और उसके बाद क्या करेंगे ना लाइट लगाने का काम रह जाएगा, बट इसको नहीं ले जाने के ऊपर। अगर ये ऊपर जाएगा भाई हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा मोमबत्ती नहीं लगाने के। देखो देखो अभी ना सारी रेलिंग पे लगा देंगे भाई अपनी मोमबत्ती, यहाँ पे चाहे कितनी भी तेज हवा चल रही हो ये लाइटर ना बुझेगा नहीं। अभी टाइम होने वाला है भाई, तो दिवाली पूजने के लिए सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। चाचा जी भी घर पे आ चुके हैं। पापा आ जाओ, एक बात बताओ रंगते रह ले बस। पापा एक बात बताओ, मैं तुम्हें बुलाने के लिए तो आया यार, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया पापा? खोजता हूँ अपने आप को। अगला व्लॉग बनाएंगे ना वो टोटली पटाखों के ऊपर बनाएंगे, कैसे कैसे पटाखे छुटाए जा रहे हैं, क्या करें, मतलब धमाकेदार होगा वो तो। गाइस अभी भाई कोई भी दिवाली में मोमबत्ती नहीं बांट रहा, बट ना अपनी गैंग के आदमी ये देख लो भाई ये मोमबत्ती बांट रहे घर घर जाके, वह मौज कर दी रहे तुमने तो। सबसे पहले दिवाली पूज दी भाई अपने आप ही, मम्मी के हाथ में से ले लिए चावल और ऐसे ही पूज दी जैसे हम पूज रहे थे। फाइनली पूजन हो चुका है, तो गाइस आज के व्लॉग अपना यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आगे का व्लॉग ना बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपनी गैंग के साथ मिलकर हम पटाखे छुटाने वाले हैं, अपने घर वालों के साथ भी, मतलब सबके साथ, ये नहीं पता किसके साथ पहले पटाखे छुटे हैं किसके साथ बाद में, तो सारे काम ना हम धमाकेदार करने वाले हैं। और व्यू को देख लो क्या कर रहा है, अब अकेला ही पूज रहा है दिवाली, ये वेरी गुड। ना मोमबत्ती जला देते हैं सारी जितनी भी लगी हुई है घर पे।